मुझे समंदर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो जो रिलैक्सिंग साउंड होता है वेल्स का और हवा में नमी होती है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सोचो कि समंदर के बीचों बीच अगर 4 दिन रहने मिले तो, और वो भी एक लग्जरियस वेकेशन हो जो हमें ले जाए सपनों के शहर मुंबई से कहीं दूर, एक आइलैंड पर, शांत और सुंदर लक्षद्वीप पर। अगर आपको ये सपना पूरा करना है ना, तो आइए मेरे साथ कोडेलिया क्रूजेस के साथ अपना एक क्रूज वेकेशन बुक करके। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से मेरे सफर की कहानी सुनाती हूँ। एंटर होते ही सबसे पहले हमारा आईडी और बोर्डिंग पास चेक किया, फिर चेक इन की प्रोसेस खत्म करके हम आगे बढ़े। मेरे देख देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं क्रूज में ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको अपने रूम की टूर करवाते हूँ। ये है हमारा प्यारा सा रूम और यहाँ पे कबर्ड है जहाँ पे मैंने सारे बैग्स को छुपा के रख दिया। रूम बुरा नहीं लगना चाहिए मेरा। और ये ड्रेसिंग टेबल, हाय। और ये मेरा रूम है, यहाँ पे मुझे रूम मिला है ओशन व्यू वाला, लेकिन अभी ओशन नहीं दिख रहा, अभी पोर्ट दिख रहा है। ओशन भी जब दिखेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कोडिलिया क्रूज का इंटीरियर, यकीनन आपका दिल जीत लेगा। यहाँ पे टोटल 10 डेक्स है और सारे लिफ्ट से कनेक्टेड है। अभी हम शिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं 10वें फ्लोर पे। तो ये 10वां फ्लोर है, यहाँ पे फूड कोर्ट है। वाओ, यहाँ पे फूड कोर्ट है और स्विमिंग पूल भी है, देखो। वेलकम टू द कोडेलिया क्रूज। आज हमारा पहला दिन है यहाँ क्रूज में और मजा आ रहा है। हमने सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दिया हमको, फिर हमने लंच कर लिया और हमें रूम अलॉट कर दिया गया है। और अभी हम आए हैं सबसे ऊपले माड़े में, यहाँ से जो व्यू है, ओह माय गॉड। तो अभी शिप शुरू नहीं हुई है, यहाँ पोर्ट पे ही खड़ी हुई है, फिर भी यहाँ से जो जबरदस्त व्यू आ रहा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सोचिए कि ये शिप जाने वाली है लक्षद्वीप, तो वहाँ जाते जाते रास्ते में कैसा व्यू होगा, और सनराइज और सनसेट, मुझे तो सोच के ही ऐसा हो रहा है। वाओ वाओ वाओ। तो अभी हम सेफ्टी ड्रिल के बारे में जानेंगे। यहाँ के जो क्रू मेंबर है वो हमें बताएंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। ये जो हमारी कोडेलिया क्रूज शिप है वो है तो टाइटैनिक से भी सुंदर, लेकिन इसकी हालत टाइटैनिक जैसी ना हो, उसी के लिए हमें इमरजेंसी ड्रिल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, सबसे ये चीज़ ऐसी है कि हमें एकदम से ध्यान दे के सुनना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कह के नहीं आती है ना। तो चलो फिर। फाइनली मुंबई पोर्ट से हमारी शिप निकल चुकी है, अभी थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है। आप अगर आएंगे ना तो आपको भी इतना ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होने वाला है। मज़ा आ रहा है। हमारी शिप मुंबई छोड़कर तकरीबन 5 बजे सेल करने लगी और तब शाम को थी सेल अवे पार्टी। इसके लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा। वक्त कैसे बीता जा रहा था पता ही ना चला,
और ढलते सूरज के रंग आसमान में कुछ इस तरह खिलने लगे। तो अभी हम सनसेट के खूबसूरत व्यू के साथ कोडेलिया क्रूज में हैं और शाम का नाश्ता कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर साथ में कुछ गेम्स खेली और फिर चल दिए चेयरमैन्स क्लब में, क्योंकि वहाँ चल रहा था लाइव म्यूजिक। जुमे नाचे और ऐसे ही हमारा पहला दिन खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कोडेलिया क्रूज। आज मेरा यहाँ सेकंड डे है और देखिए सुबह का नजारा मेरे रूम से दिख रहा है, खूबसूरत बेनमून ओशन का नजारा। हाँ तो मेरा रूम है प्रीमियम व्यू वाला, बहुत मजा आ रहा है। वेलकम टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द क्रूज, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ये हमारा इंडियन देसी ब्रेकफास्ट और गुजराती के लिए स्पेशल ढोकला। तो चलो फिर ओशन व्यू के साथ फिर से आज सुबह का नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमने साथ में ग्रुप गेम्स खेली और बहुत मजे किए। अभी दोपहर के बजे डेट और हम मार्की थिएटर में जो बल्ले बल्ले शो था वो देख के हम आ चुके हैं। बहुत मजा आया वो शो में, मन कर रहा था कि दूसरी बार देख रहे हैं, लेकिन वो शो है वो कॉपीराइटेड था तो उसका स्टोरी या पूरा वीडियो हम नहीं ले पाते, नहीं अलाउड ही नहीं था। और लास्ट में हमको अलाउ किया कि आपको क्लिप्स लेनी है तो ले सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो देख के आपको होगा कि ये तो देखना ही पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी जगह है कि जिसे आप एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। फिटनेस फ्रिक्स हो अगर आप तो आपके लिए जिम भी है और सारी जगह जैसे कि कैसीनो, स्पा, गेमिंग जोन वो भी है। वेलकम टू द सेकंड डे का लंच। मेरा लंच शुरू होता है डेजर्ट से, लोगों का लंच खत्म डेजर्ट से होता है लेकिन मेरा शुरू डेजर्ट से होता है। तो अभी हम सब मिलके बैठे हुए दोस्त हैं, दोस्त और ओशन व्यू के साथ खाना खा रहे थे। ये दोस्त कल तक नहीं थे, हमने एक दिन में बना लिए। बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि क्या क्रूज में सी सिकनेस होगी। तो मैं अपने अनुभव के ऊपर से आपको बताऊं तो पहले दिन आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि कुछ मोशन है, चल रहा है कुछ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जो क्रूज है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। तो आपका मन उसमें ऑलरेडी बिजी रहेगा और आप एंजॉय करने में ही होंगे, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और दूसरे दिन से तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई नई जगह पे हो। तो यहाँ पे हम 10वें फ्लोर पे है अभी फूड कोर्ट में, सेम खाना नीचे स्टार्ट
मोस्ट फेवरेट पार्ट डेजर्ट। आज रात में थोड़ी जल्दी सो गई क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। इतना खूबसूरत नजारा, वाओ। आज हमारा तीसरा दिन था क्रूज में और आज का सनराइज बहुत ज्यादा खूबसूरत था। समंदर की नमी भरी हवाओं के साथ सुबह की पहली किरण कुछ अलग ही ताजगी का एहसास दे रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द थर्ड डे इन कॉर्डेलिया क्रूज। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे और हम मन बना के आज उठ ही गए कि आज तो सनराइज देखना ही है और सक्सेसफुल, एकदम सक्सेसफुल। आज की एक्साइटमेंट की और एक बात है, पता है क्या, आज हम लक्ष्मी पहुंचने वाले हैं और वो आइलैंड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और इतनी खूबसूरत सुबह देख के दिन, आज का दिन एकदम सुहाना हो गया है। अभी हमें यहाँ क्रूज से सामने आइलैंड दिख रहा है, वाव इतना सुंदर लग रहा है। वहाँ का पानी ना एकदम एक्स्ट्रा ब्लू है, मतलब अलग शेड है ब्लू का, टर्कोइश कलर जैसा है। वाव बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है वो देख के, देखो आप भी हो रहा। लगता है हमें वही आइलैंड पे जाना होगा, हमें अगाती आइलैंड पे जाना है ऐसा है। वहाँ पे टावर लगे हुए तो शायद वो हो सकता है, पता नहीं, जाके ही पता चलेगा कि कौन से आइलैंड पे हम पहुँचे। यार सच में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रूज़ वेकेशन पे जाऊंगी और लक्षद्वीप में जाऊंगी। चलो तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं क्योंकि फिर रेडी होना बाकी है, अभी 9:30 बजे रेडी हो जाना होगा। से अगाती आइलैंड हमें दिख रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि बात जाने दो। और ब्लू के कितने सारे शेड्स दिख रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ी देर में हम शोर एक्सकर्जन करके अगाती आइलैंड पे पहुंच जाएंगे लक्षद्वीप में। और 10:15 हमारा शोर एक्सकर्जन है, हमारी बारी आएगी तब हमें ले जाएंगी क्रूज से निकल के छोटी बोट में हम आइलैंड तक जाएंगे। फिर हमें वहाँ 4 से 5 घंटे मिलेंगे, जिसको एक्टिविटीज़ करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स वो कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करना है आइलैंड तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी तो बोट में खड़ी हूँ और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। पानी तो, पानी का कलर तो देख, तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, देखो ब्लू कलर दिखाऊं, ये देखो वाओ। तो ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक, पाइनएप्पल जूस है और यहाँ पे डांस चल रहा है, तो चलो वहाँ पे जाते हैं, मजा आएगा। Welcome to the beautiful Lakshadweep. Wow, yahan pe itna
12 बजे से 4 बजा दिए लक्षद्वीप के बीच में ही। इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और अभी हम थोड़ा गांव एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, ये हमारे दोस्त हमारे साथ हैं जो पीछे पोज दे रहे हैं। बड़ा प्यारा सा गांव है, ऐसे शांति लगी हुई है यहाँ पे। मतलब शहरों में रहते हैं तो कैसे भीड़ भाड़ होती है हमेशा, तो देखो कैसे ऐसे मज़े है यहाँ पे। अभी हमारा लक्षद्वीप का जो ट्रिप था, लक्षद्वीप में जितना हमें घूमना था वो वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। हम आ चुके हैं जहाँ से हमारी बोट निकलने वाली है। अब मेरे पीछे देखो कितना ब्लू पानी है, कितना खूबसूरत, कितना साफ। और वो हमारी कॉर्डेलिया क्रूज खड़ी हुई है वहाँ पे। यहाँ से वो इतनी सुंदर लग रही है ना, सच में मानो आप भी देख ही सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। चलो फिर हम राह देख रहे हैं, हमारी बोट आएगी, फटाफट से हम जाएंगे। लक्षद्वीप से वापस अपनी क्रूज में आ चुके हैं। शाम के 5 बज रहे हैं अभी और हाई टी का टाइम है। और यहाँ पे हाँ, जो वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि 3 टाइप के पोर्शन है, वेजिटेरियन के लिए है, जैन के लिए भी है और नॉनवेज के लिए भी है। आप जो भी खाना चाहते हो सब अवेलेबल है। ये देखो, ये है आज का हमारा लक्षद्वीप वाला सनसेट। अभी सनसेट हो रहा है लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर और हमारी क्रूज है वो निकल चुकी है वहाँ से। सो बाय बाय लक्षद्वीप, आई विल मिस यू। अभी हम दोपहर का खाना खाने के लिए आए हैं स्टारलाइट में, वो 4th और 5th डेक पे है। और हाँ, खाना खाने का 10th डेक पे भी है, उसका नाम फूड कोर्ट है। लेकिन आज हमें मन किया कि चलो इस साइड वाले व्यू से देखते देखते हम खाना खाएं। तो ये रहा मेरा खाना, देखें आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा ये देख के। अभी हम सबको 5th डेक पे इकट्ठा होना है और ब्रिज टूर के लिए हम जाने वाले हैं। उसमें हमें बताएंगे कि शिप में सब कुछ कैसे कंट्रोल होता है, कैसे चलती है और बाकी का डिटेलिंग तो मुझे नहीं पता, जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन वहाँ कैमरा शायद अलाउड नहीं है तो हम वो शूट नहीं कर सकते। यहाँ पे ओशन व्यू के साथ लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स भी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हो। और बड़ी शांत जगह है, यहाँ पे मज़ा आएगा अगर आप बैठे हैं शांति से बुक्स पढ़ रहे हैं। हम 10th डेक पे आ चुके हैं, अब मेरी बारी है रॉक क्लाइंबिंग की। ये रही वॉल रॉक क्लाइंबिंग के लिए और ये खूबसूरत ओशन व्यू के साथ रॉक क्लाइंबिंग करना है। अभी ब्लू ओवर
खूबसूरत शाम है यार। ये हमारी लास्ट शाम है क्रूज पे। मैं सनसेट और सनराइज दोनों बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ ओशन के बीचों बीच बहुत खूबसूरत लग रहा था सनराइज और सनसेट। सच में बहुत मिस करूँगी मैं इस व्यू को। हमें पता था ये आखिरी रात है जिसमें हम लोग साथ हैं। ये चार दिन में इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे ये सोचा नहीं था मैंने। हाय हाय बाय कॉर्डेलिया। हाय गुड मॉर्निंग। आज मेरा कॉर्डेलिया क्रूज में लास्ट दिन है, पांचवा दिन, और बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने आए मुंबई। यहाँ से पोर्ट दिख रहा है खिड़की से, तो यार बहुत मिस करूंगी मैं इस हॉलीडे को। मैं आपको दिखाती हूँ खिड़की से, लास्ट बार मैं भी देख लूँ अपना ये खूबसूरत व्यू। ऐसे ही बहुत सारी यादों के साथ मेरा कॉर्डेलिया क्रूज के साथ सफर खत्म हुआ। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है जिसमें से आप पैकेजेस देख सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कॉर्डेलिया क्रूज का मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन किया हुआ है। और आगे ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।